हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यह बताने वाला हूं कि दोस्तों, जब भी आप फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो ऐप को लॉगिन करने के लिए जा रहे हैं तो सेम इस तरीके का प्रॉब्लम आपके साथ भी हो रहा है। जैसा कि स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा कि मैं भी अपने फ़ोन में मतलब फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो ऐप को लॉगिन करने के लिए जा रहे हैं तो ये लॉगिन नहीं हो रहा है। तो इस तरीके का प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं इस वीडियो में बताऊँगा। और दोस्तों, मुझे पता है कि आपने काफी प्रयास किए हो, यहां पे आप ईमेल आईडी पासवर्ड डाले हो, फोन नंबर डाले हो, फेसबुक पेज का नाम पासवर्ड, फेसबुक आईडी का नाम पासवर्ड डाल डालकर थक गए हो, फिर भी आपका ये फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो ऐप लॉगिन नहीं हुआ है। तो इस कैसे लॉगिन करना है, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं इस वीडियो में बताता हूं। उनसे पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे भाई वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को ऑल के ऊपर प्रेस कीजिए। और आप हमारे इस वीडियो को कहां से देख रहे हो ये जरूर बताना। तो दोस्तों देखिए, फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो ऐप इसलिए होता है कि आप फेसबुक जब पेज बनाए हो, उस पर पेज बना हुआ है तो आप वहां से सारा कुछ उनका एनालिटिक्स चेक कर सकते हो, देख सकते हो। वहां से आप अपने फेसबुक पेज पर वीडियो अपलोड कर सकते हो, रील्स डाल सकते हो, पोस्ट डाल सकते हो, है ना। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन क्या है दोस्तों, उनके लिए देखिए, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में फेसबुक ऐप को ओपन करना होगा। फेसबुक ऐप को ओपन करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके फेसबुक के अंदर, आपका फेसबुक के अंदर फेसबुक अकाउंट में लॉगिन होना चाहिए। एक आपके पास फेसबुक आईडी है और दूसरा एक फेसबुक पेज है। तो ये आपका बात को ध्यान रखना है कि आपके फेसबुक के अंदर आपका फेसबुक पेज लॉगिन नहीं होना चाहिए, यानी कि इस तरीके से खुला नहीं होना चाहिए। उनके लिए सबसे पहले यहाँ आपको इस थ्री लाइन के ऊपर अपनी उंगली को प्रेस करके रखिएगा। तो अभी आपको दिख रहा होगा हमारे पेज का नाम और फेसबुक आईडी का नाम है। हम लोग क्या करेंगे, फेसबुक आईडी को अपने फेसबुक में इस तरीके से खोल लेंगे। तो आपको भी अपने फेसबुक में अपने फेसबुक आईडी को खोल लेना है। खोलने के बाद अब आपको इस तरीके से बैक चले आना है। बैक आने के बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब अपने फोन में फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो ऐप है, इसके ऊपर अपने उंगली को दबा के इस तरीके से भी ऐप इन्फो पे जा सकते हैं। नहीं तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से आप लोगों को ढूंढ लेना है सेटिंग। तो आपको सेटिंग के ऊपर क्लिक करना होगा। इनके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ आप लोगों को दिख जाएगा दोस्तों ऐप, या तो फिर ऐप मैनेजमेंट करके। तो फाइनली हमारे पास ऐप करके आ रहा है, तो मैं इनके ऊपर आपको क्लिक कर देता हूँ क्योंकि हर मोबाइल का सेटिंग अलग अलग होता है। तो दोस्तों यहाँ आपको दिख रहा होगा फर्स्ट में ऐप मैनेजमेंट, तो इनके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद हमारे फ़ोन में जितना भी एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा सारा मौजूद यहाँ आपको दिख जाएगा। अभी आपको दिख रहा होगा हमारा क्रिएटर स्टूडियो भी आ चुका है, तो आपको इनके ऊपर अब क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ आपको फोर्थ स्टॉप के ऊपर क्लिक करके इसे फोर्थ स्टॉप कर देना है। उनके बाद ऊपर स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ आपको दोस्तों स्टोरेज यूजेस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इनके बाद दोस्तों यहाँ आपको दिखेगा दोस्तों क्लियर डाटा कर देना है इस तरीके से, है ना। इस तरीके से क्लियर डाटा करने के बाद अब आपको चले आना है बैक। तो चलिए हम लोग इस तरीके से बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद अब आपको अपने फ़ोन में फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो जो ऐप है इसे आपको ओपन कर लेना है। तो दोस्तों ओपन करने के बाद यहाँ पर आपके साथ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अभी हमारे पास जो प्रॉब्लम आता था फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो लॉगिन प्रॉब्लम, वो सॉल्व हो चुका है। अभी आपको दिख रहा होगा दोस्तों कंटिन्यू, और आपका जो फेसबुक आईडी में जो नेम होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। अभी देख सकते हैं कंटिन्यू गुलशाद खान करके आ रहा है, तो हम इनके ऊपर अभी क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों इनके ऊपर क्लिक करते ही क्या होगा कि आपके फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो आपके फ़ोन में लॉगिन होने के लिए आ जाएगा। आपका जो भी फेसबुक पेज वगैरह होगा यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। आपको अपने पेज के ऊपर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते ही दोस्तों आपका फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो जो है आपके ये लॉगिन हो जाता है आपके फ़ोन में बिल्कुल आसान तरीके से। जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैं अपने फेसबुक पेज पर ये सभी डाल रखा है, पोस्ट वगैरह देख सकते हैं, यहाँ से सारा कुछ एनालिटिक्स वगैरह चेक कर सकते हैं अपने पेज के बारे में, है ना। तो इस तरीके से आप अपने फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो को लॉगिन कर सकते हैं। आपका ये प्रॉब्लम सोल्यूशन मैं इस वीडियो में बता दिया हूँ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।